जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास, जो कि आज की क्लास है एवरेज, औसत। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये क्लास। तो फटाफट हम इस क्लास को का टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट हम क्लास को लगाएंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो एवरेज के पहले प्रश्न में जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता देता हूं कि एवरेज होती क्या है। एवरेज होती है लगभग सबकी टोटल के बराबर होती है, लगभग होता है। एक्यूरेसी नहीं होती कि सभी का एक्यूरेट वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको समझाऊं, म्यूट कर लीजिएगा अगर किसी का अनम्यूट हो। तो एवरेज में क्या होता है कि अगर मानकर चलते हैं कि किसी व्यक्ति को एक क्लास है दी गई है और उस क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे दिए हैं, तो 40 बच्चे जो हैं वो अलग अलग एजिस में होंगे, सबकी उम्र अलग अलग होगी। इसका मतलब कोई बच्चा 15 साल का होगा, कोई 20 का, कोई 28 का भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है मेरी तरह, ठीक है। और कोई अलग अलग, कोई 18 के कोई 7-8-10 लड़के होंगे, कोई 17 साल के 7-8-10 होंगे, कितने भी हो सकते हैं। इस तरीके से उम्र सबकी क्या होगी, अलग अलग होगी। मगर जब हम ये पूछते हैं कि पूरी की पूरी औसत वैल्यू क्या है, लगभग उस कमरे में जो है किस उम्र के लोग बैठे हैं, वो चीज जो हमारे पास एक कॉमन वैल्यू आती है, उस कॉमन वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं। जैसे कि अब ये क्वेश्चन दिया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर, यानी कि कोई जगह है, वहां पर बारिश हो रही है, कभी एक महीने में 70 हुई, दूसरे में 65 हुई, फिर तीसरे महीने में यानी कि सितंबर महीने में आपकी 55 हुई, फिर उसके बाद अक्टूबर में 90 सेंटीमीटर जो है वो बारिश हुई है। अलग अलग बारिशें मतलब क्या की गई हैं, काउंट की गई हैं अलग अलग स्थानों पे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मतलब बारिशें काउंट की, तो वर्षा का औसत ज्ञात करेंगे, है ना। तो पूछ तो किसी भी तरीके से सकते हैं क्वेश्चन को, मगर अब उसकी कॉमन वैल्यू पूछी है, तो याद रखिए कॉमन वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू यानी कि औसत निकालना है, तो आपने याद रखना सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर टोटल क्वांटिटीज, यानी कि औसत बराबर है राशियों का योग ओवर कुल राशियां, ओवर कुल राशियां यानी कि टोटल राशियां कितनी हैं उसके इक्वल होगा। जैसे कि अब ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये राशियां कितनी हैं जी, उनका योग कर लीजिए यानी कि सम कर लीजिए, 70, 65, 55 और 90, टोटल कितनी, 2, 2, 4, 4 महीने की, तो ये आ गई 4 महीने की टोटल, ठीक है जी। इसको प्लस कर लीजिए, टोटल टोटल कितना हो गया, 280 बटा 4 और 7 चौके 28, यानी कि 70 जो है सेंटीमीटर जो है लगभग जो है उस स्थान पर बारिश हुई थी। मगर अब पूरी 70 थोड़ी हुई है, किसी वक्त 65 हुई है, किसी बार 90 हुई है, किसी बार 55 भी हुई है, कम भी हुई है, मगर हम बोलेंगे कि उस स्थान पर लगभग कितनी बारिश हुई है, तो हम कितनी बताएंगे, 70 सेंटीमीटर। इस चीज को हम जो एवरेज एक वैल्यू निकालते हैं वो हमारी एवरेज कहलाती है, यानी कि कॉमन वैल्यू, जो कि इनका आपस में जो कॉमन वैल्यू कितनी हुई, 70। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है तो आपने ये क्वेश्चन जो है वो साथ साथ में ट्राई करना है, क्या आंसर रहेगा। सभी ने ट्राई करिएगा प्यारे बच्चों, सभी अच्छे से ही ट्राई करिएगा। सभी ट्राई करिएगा कि क्वेश्चन कैसा कैसा है। देखिए
सीता गीता और संगीता, रीता गीता और संगीता तीन बहनें हैं, अलग अलग वेट की हैं, कोई हल्की है कोई भारी है, थोड़ी बड़ी है तो बड़ी भारी है ना, ठीक है। तो तीन है तो औसत बतानी है, एवरेज बतानी है, निकालो जी औसत कैसे होगी जी। देखिए तीन वैल्यूज हैं तो मैंने आपको एवरेज के लिए बताया है, क्या बताया है, सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर टोटल क्वांटिटीज, यही बताया ना, यानी कि राशियों का योग ओवर कुल राशियां, ठीक है। तो राशियां कौन सी, यानी कि वैल्यूज, 35.5 प्लस 28.5 प्लस 24.5, और टोटल कितनी थी बहने, बहने थी तीन, इसलिए तीनों को ले लिया, और इसको प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 88.5 ओवर 3, ठीक है जी। पॉइंट हटा दिया, नीचे आ गया 10 और ये आ गया 3, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद 3 2 6 7 8, 3 9 27, 3 5 15, तो पॉइंट लगा दिए 29.5, 29.5 बिल्कुल सही आंसर है, 29.5 इसका सही आंसर होगा। आपको क्लियर कितने परसेंट हो रहा है ये जरूर आपने कमेंट करना है मुझे कि आपको समझ आया नहीं आया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि किसी दफ्तर में जो है 6 व्यक्ति यानी कि 6 कर्मचारी थे, उनकी औसत आयु 37 वर्ष है। अब ये तो आप समझ ही गए हैं मेरे क्वेश्चन से कि 6 व्यक्ति उस किसी ऑफिस में है, तो 6 के 6 व्यक्ति जो हैं उनकी उम्र 37 साल नहीं है, अलग अलग एजिस का, पर एवरेज वैल्यू जो है वो 37 है, ठीक है। एक नया कर्मचारी वहां पर आया और औसत आयु जो है वो 2 वर्ष कम हो जाती है, जहां पर 37 थी उसकी जगह क्या हो गई, 35 रह गई। तो आप देखिए 6 व्यक्तियों की औसत आयु जो है वो 37 है, तो 6 गुणा 37 कर लीजिए, क्या कर लीजिए, 6 गुणा 37 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा जी, 222, ठीक है जी। अब उसमें एक नया कर्मचारी आ गया, जहां पे 6 थे वहां पे कितने कर्मचारी हो गए, 7 कर्मचारी हो गए, पर एवरेज कम कितनी होगी, 2 वर्ष, यानी कि 37 में से 2 गए तो कितने बच गए, 35, 245। और उन्होंने बोला नए कर्मचारी, क्योंकि नया कर्मचारी इसी में ही है और पुराने भी इसी के इंक्लूड है, इसलिए ये चीज आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और टोटल कितनी आ जाएगी, 23, कितनी आ जाएगी, 23, यानी कि 23 वर्ष आ जाएगी। बोलो क्लियर है क्वेश्चन सबको, ठीक। इसी प्रकार से नया क्वेश्चन एक और लेकर आया हूं, इस क्वेश्चन को ट्राई मारने की कोशिश करिए, सेम क्वेश्चन रहेगा बच्चों। एक परिवार में 10 बंदे थे, उनकी औसत आयु 28 थी, एक नया व्यक्ति है जो नौकरी पर चला गया और उसकी औसत आयु से 1 बढ़ गई है, तो नौकरी में जाने वाला व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको इसके लिए एक और ट्रिक भी बता देता हूं, पिछले क्वेश्चन के लिए भी एक ट्रिक दूंगा, ठीक है जी। वो क्या ट्रिक रहेगी, वो सोचने वाली बात है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को जो है वो कवर कर सकते हैं। सोचिए इस क्वेश्चन के लिए और क्या ट्रिक हो सकती है। देखिए 37 साल आयु थी, ठीक है, और 2 वर्ष कम हो गई, 2 वर्ष कम हो गई, यानी कि 35 रह गई। ध्यान से सुनिएगा, सभी ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, 2 वर्ष कम हुई तो 35, ठीक है जी, और 6 कर्मचारी थे उसमें से 2 वर्ष कम हुई थी, ठीक है जी, यानी कि 2 कर्मचारी 2 गुणा 6 हो गया, ठीक है, क्योंकि हर एक में से 2 कम हो गई, ठीक है, तो कितनी आ गई, 35 माइनस
12 कितना आ गया 23। तो आप ये भी लगा सकते हो। एक बार फिर से एक और देखेंगे, इस क्वेश्चन पे लगाएंगे। एक वर्ष बढ़ गई है यानी कि 28 वर्ष थी वो कितनी होगी, एक बढ़ गई है, ठीक है। यानी कि 10 व्यक्ति थे उनकी औसत आयु 28 थी, एक व्यक्ति आने नौकरी पर चला जाता है, यानी कि एक व्यक्ति गया तो 10 में थे ही थे, तो 10 में थे एक चला गया यानी कि 9 रह गए, है ना। तो कितना हुआ टोटल आयु, कितनी औसत कितनी थी 28, ठीक है। हर एक किसी में से एक एक गया तो यानी कि माइनस कर दिया, कितने गए एक गया, है ना, ठीक है। और कितने व्यक्ति रह गए 9 व्यक्ति, तो 9 × 1 कितना आएगा 28 − 9 कितना आ गया, तो डायरेक्ट भी हो जाता क्वेश्चन, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं दूसरे तरीके से, जरूरी नहीं है कि इसी मेथड से करें। 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी थी 28 यानी कि 280, एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया तो 9, एक वर्ष जो है इनकी औसत आयु बढ़ गई है यानी कि 9 रह गए, बढ़ गई यानी कि जहां पे 28 थी वहां पर क्या होगी 29, ठीक है जी। तो 261, अब हमें नए जो गया था उस व्यक्ति की एज निकालनी, इसलिए इसको आपस में माइनस कर दीजिएगा क्योंकि ये 9 व्यक्ति और वो 10 व्यक्ति, 10 में ही काउंट था जो व्यक्ति लिया था तब, तो दोनों को माइनस किया तो कितना आ गया आपका 19। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, आंसर दोनों टाइम जो है वो हमारा सेम टू सेम रहेगा प्यारे बच्चों। एक और क्वेश्चन है, ट्राई मारने की कोशिश करिएगा, सभी ट्राई करिएगा। एक क्रिकेट टीम है उसमें 30 वर्ष है औसत आयु, उस उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लेने पर एक औसत आयु जो है वो बढ़ गई है, मतलब बहुत ही सिंपल है, ठीक है जी। क्या है, एक वर्ष बढ़ गई यानी कि 30 में एक बढ़ गया तो कितना हो गया 31, ठीक हो गया। अब कप्तान को भी शामिल कर लिए, जहां पे 10 बंदे थे वहां पे कितने हो गए 11 हो गया, और हर किसी में कितनी बढ़ेगी एक एक बढ़ेगी, तो गुणा एक, तो 31 − 11 कितनी होगी जी 20, कितनी होगी जी। अच्छा नहीं, बढ़ गई है, माइनस क्यों करेंगे, प्लस है ना, तो आगे है ना, कप्तान की आयु कितनी है, ठीक है, प्लस करेंगे तो कितनी होगी 2 मिनट। जी, उन्होंने ये कहा था जब कप्तान को शामिल हुआ है, कप्तान मतलब यानी कि 11 हो गए बंदे, ठीक है, तो 11 कर लेने पर, ठीक है, औसत आयु एक वर्ष बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है एक वर्ष बढ़ जाती है, तो यानी कि हमारे 10 सदस्य थे, ठीक है, वो 10 ही रहेंगे यहां पर, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो टोटल हो गया 31 + 10 अब 41, ठीक है जी। मगर नहीं आया, आप दूसरा अपना पहले वाला ही मेथड, 10 बंदे थे तो 3 ही आया, कितना होगी 300, कप्तान को शामिल कर लिया 11 हो गए, एवरेज एक साल बढ़ गई तो कितनी होगी जी 31, तो 341 होगी। अब ये इसमें काउंट है क्योंकि 11 बंदे हैं वो 10 बंदे हैं, तो 10 में 11 में से 10 निकाल देते हो, रह गया कप्तान, तो इसलिए इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 41 ईयर, कितनी हो जाएगी बच्चों 41 ईयर हो जाएगी। तो ये वाला मेथड भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा। किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, एक लड़के ने अपना स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर करवा लिया है
और उसकी औसत आयु जो वो 0.2 वर्ष की कमी हो गई, यानी कि थोड़ी कम हो गई है। तो उस लड़के की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो आई होप कि आपने किया होगा। कैसे होगा एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं हम क्वेश्चन, कि किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष है। अगर 12 वर्ष है तो हमने टोटल औसत कितनी ले ली, 12 ले लेनी, ठीक है जी। अब उसमें से एक लड़का चला गया, कितने में से, 20 में से, तो कितने रह गए, 19 लड़के रह गए। उनकी औसत आयु कितनी थी जी, 19 की 0.2 की कमी हो गई है, इसलिए प्लस 0.2 आ गया। तो कितने आ गए जी, 12 ही आ गई, प्लस 19 दुनी 38, ठीक है, तो 3.8 ठीक है, तो 3.8 आएगी, ठीक है। तो टोटल कितनी होगी अब इसको प्लस किए तो 15.8 कितनी होगी, 15.8। अगर ये मेथड नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, 20 बच्चे हैं उनकी औसत आयु 12 है, तो 20 गुणा 12 कितना हो गया, 240, ठीक है जी, 12 दूनी 24, ठीक है। तो एक बंदा चला गया यानी कि 19 रह गए, तो औसत आयु में कितने की कमी हुई, 0.2 की, जहां पे 12 थी वहां पर कितनी रहेगी, 11.8, गुणा कर दिया 255.8। और आपको पता ही है ये इसमें काउंटेबल है, क्योंकि ये 19 बंदों की है, 20 बंदों की है, अगर उन 20 में से 19 गए तो कितने हो जाएंगे, 8 यहां पे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब माइनस कर दो, कितने रह गए, 15.8 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इतने की कमी हुई थी, क्लियर है सबको, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब व्यक्ति समूह में रख लिया जाए, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति जो है ले लिया गया, अब औसत भार जो वो 3 किलोग्राम कम हो गया, नए व्यक्ति का भार ज्ञात करिए, नए व्यक्ति का भार जो है वो ज्ञात करना है, जल्दी से करने की कोशिश करिए। सभी ट्राई करते रहिए, स्टार्ट अपना इनिशिएट देते रहिए, बहुत बढ़िया से तैयारी होती है, स्टार्ट करिए करिए, कोशिश करिए, क्वेश्चन कैसे होगा साथ साथ में। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, इस क्वेश्चन के टाइप्स को एक बार जरूर याद रखिएगा। इस क्लास में हम यहीं तक कवर करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूं इसका आप एक फॉर्मूला भी दिमाग में रख सकते हैं।
कि न्यू पर्सन वेट, यानी कि नए व्यक्ति का भार निकालना होगा, तो आपने क्या करना है, जो रिप्लेस्ड पर्सन है, क्या बोल रहा हूं, जो व्यक्ति गया है उसका भार, यानी कि रिप्लेस्ड वेट प्लस माइनस, जो भी इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, वो क्या बोल रहा हूं, जो भी इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है वो, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन से जो है वो चीज मल्टीप्लाई कर देनी है पर्सन से, ठीक है जी, किससे, पर्सन से। अब देखो मैंने क्या बोला, 80 किलोग्राम भार व्यक्ति का था, ठीक है, उसके बदले में दूसरा व्यक्ति ये ले लिया गया, और औसत कितनी होगी जी, 3 किलोग्राम, कितनी होगी जी, 3 किलोग्राम पर हुई क्या थी, कम हुई थी, इसलिए माइनस, ठीक है जी, 3 ये आ गया, और टोटल पर्सन कितने थे, कितने थे, 6 थे, कितने थे, 6 थे, तो मल्टीप्लाई बाय 6, बस, तो 80 माइनस 18, तो कितने हो गए, 70, यहां से 8 गए तो 62, मैं 72 समझ रहा, ठीक है, तो 62 किलोग्राम जो है वो डायरेक्ट आंसर आ जाता है अगर आप इस वे से करोगे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, सेम मेथड रहेगा, सेम तरीका रहेगा, कुछ नहीं है, एक बार ट्राई करिए, आपको बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। सभी ट्राई करिए, न्यू पर्सन वेट इज इक्वल टू, ऐसा भी लिख सकते हो आप, गोन मैन वेट प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज और टोटल पर्संस। तो गोन मैन यानी कि जो गया है व्यक्ति, यानी कि 60, ठीक है जी, और इससे 1 किलोग्राम बढ़ गया है इसलिए प्लस 1, और टोटल व्यक्ति कितने थे जी, 10, तो कितना हो गया जी, 70, डायरेक्ट आंसर आता है, कुछ नहीं है, 70 किलोग्राम डायरेक्ट आंसर आता है, ठीक है, बहुत ही तगड़ा मेथड है और हर जगह ये काम आता है, ये नहीं है कि कहीं काम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एवरेज के थे, मैं और भी क्लासेस लेकर आऊंगा आपके लिए, और आपने इसी चैनल पे भी बने रहना है और वीडियो को भी शेयर करना है और ध्यान से पढ़ना है, देखना है, और भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हम करेंगे, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रख लीजिएगा, जय हिंद जय भारत। Oh, 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 oh